गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज यूनिट 2 के थर्ड लेक्चर में हम मोमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मोमेंट्स क्या है? तो मोमेंट्स कैन बी यूजफुल टू फाइंड सेंट्रल वैल्यू एक्स बार, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट टाइम वेरियंस के बारे में, तो उसे ढूंढने में यूजफुल होता है। और हमारा जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मीन्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वो सिमेट्रिक है या नहीं, तो उसका शेप, जैसे कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल है तो उसका शेप ऐसे बेल शेप जैसा होगा, राइट? तो उसके शेप के बारे में जानने के लिए भी हमें यूजफुल होता है। तो मोमेंट्स कैन बी यूजफुल फॉर फाइंडिंग सेंट्रल वैल्यू एक्स बार, उसे आप मीन भी बोल सकते हो, देन मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, आर्बिटरी मोमेंट्स, देन रो मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स। इसको आप पीछे मोमेंट्स भी देख सकते हो, सेंट्रल मोमेंट्स, रो मोमेंट्स एंड आर्बिटरी मोमेंट्स, राइट? अब ये तीनों को एक साल में इसलिए डिफाइन कर रही हूं ताकि तीनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो जाए। अभी जो हम एग्जाम्पल करेंगे उसमें हम जनरली रो मोमेंट एंड सेंट्रल मोमेंट का यूज करेंगे, बट तीनों का एक साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको दे रही हूँ। तो आर्बिटरी मोमेंट्स क्या है, रो मोमेंट्स क्या है एंड सेंट्रल मोमेंट्स क्या है? तो अगर आप कोई मोमेंट को आर्बिटरी पॉइंट के वहां पे फाइंड करते हो, आर्बिटरी पॉइंट मीन्स कोई भी पॉइंट, ए आप सपोज एज्यूम कर लिया तो वो ए कुछ भी हो सकता है, तो आर्बिटरी पॉइंट ए के लिए अगर आप मोमेंट्स फाइंड करते हो, आर्बिटरी पॉइंट ए, तो हो जाएगी आर्बिटरी मोमेंट्स। रो मोमेंट्स होती है अबाउट द ओरिजिन, तो वहां पे ए क्या हो जाएगा, जीरो। ओरिजिन पे वो पॉइंट जीरो होगा तो ए इक्वल टू क्या होगा, जीरो। एंड सेंट्रल मोमेंट, तो अबाउट द मीन मीन्स अबाउट द सेंट्रल वैल्यू, ए इक्वल टू क्या होगा, एक्स बार, राइट? तो तीन टाइप की मोमेंट्स है, आर्बिटरी, रो, सेंट्रल। ये अबाउट दी आर्बिटरी वैल्यू होती है, ये अबाउट दी ओरिजिन होती है और ये अबाउट दी मीन होती है। अब इसको नोटिफाई कैसे करते हैं, तो इसके लिए नोटेशन है, तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन। तो आर्बिटरी मोमेंट्स को आप न्यू वन एंड ए, इसको आप न्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, न्यू वन, न्यू टू, न्यू थ्री, और न्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री एंड म्यू फोर, राइट? ये नोटिफिकेशन है इसके लिए, राइट? अब रो मोमेंट्स के लिए कैसे आप डिनोट करोगे, तो म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश और म्यू फोर डैश, ऐसे रो मोमेंट्स को डिनोट करते हैं। एंड सेंट्रल मोमेंट के लिए सिंपल म्यू वन, म्यू टू, म्यू थ्री एंड यू फोर सोन, राइट? सबके लिए आगे सोन में आप यू फाइव से लिख सकते हो। तो ये है नोटिफिकेशन, नोटेशन फॉर दी रो मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट एंड आर्बिटरी मोमेंट। अब नोटेशन पता चल गया तो डिफाइन कैसे करते हैं मोमेंट्स को, तो आर्बिटरी मोमेंट जो आर्बिटरी वैल्यू के लिए होती है, तो जनरल डेफिनेशन है इसकी, ई न्यू आर एट पॉइंट ए, ई एक्स माइनस ए, आर्बिटरी पॉइंट है हमारा ए, आप इसको कैपिटल ए भी ले सकते हो, एक्स माइनस ए रेस टू आर। तो रो मोमेंट्स क्या होगी, आप यहां से ही डिफाइन कर सकते हो, म्यू आर डैश, अब ये वैल्यू में आपकी ए क्या है, जीरो है, तो वो होगा ई एक्स रेस टू आर, मीन्स एक्स माइनस जीरो रेस टू आर, तो
तो ई एक्स रेस टू आर, राइट। और आपकी सेंट्रल मोमेंट डिफाइन करोगे तो अब डेफिनेशन क्या बनेगी, तो म्यू आर इज इक्वल टू जो ए है उसकी वैल्यू क्या है, एक्स बार है, तो ई एक्स माइनस एक्स बार रेस टू आर। आप इसको x बार को म्यू भी लिख सकते हो क्योंकि एरिथमेटिक मीन के नोटेशन में हमें उसे x बार भी लिखा था और म्यू भी लिखा था, तो आप दोनों नोटिफिकेशन यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे ये तीनों डेफिनेशन मैंने लिखी है, ये म्यू आर डैश की है, ये म्यू आर की है और ये म्यू आर एट पॉइंट ए की है। अब ये तीनों डेफिनेशन जो मैंने लिखी है वो उसकी जनरल डेफिनेशन, हमें एग्जाम्पल में यूज करना है तो वहां पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, राइट। तो पी ऑफ एक्स आई अगर आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है तो म्यू आर एट ए इज इक्वल टू ये होगा समेशन स्मॉल आई इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट एक्स आर माइनस ए रेस टू आर इंटू पी ऑफ एक्स आर, राइट, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के लिए। देन म्यू आर डैश can be written as a summation small i equal to 1 to infinite x raised to r into p of x r, right? और ये होगा mu r is equal to summation small i equal to 1 to infinite x i minus x bar raised to r into p of x i, right? अब यहाँ पे x i raised to r क्योंकि हमने उसको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में और आर समेशन के साथ डिफाइन। अब आपको पता है कि पी ऑफ एक्स आई क्या है, समेशन ऑफ एफ आई बाय एन, तो यहाँ पे आप म्यू आर रेस टू ए इसको ऐसे भी लिख सकते हो आई इक्वल टू वन टू इनफाइनाइट एफ आई एक्स आई माइनस ए रेस टू आर बाय एन, राइट। आप ऐसे लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, सेम हियर यहाँ पे भी ऐसा होगा, यहाँ पे भी एफ आई के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी उसकी डेफिनेशन है, राइट। पी ऑफ एक्स आई इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाय एन। अब यहां तक मैंने सिर्फ इसकी डेफिनेशन आपको लिखाई है, आप ये डेफिनेशन भी नोट करके लिख सकते हो, राइट, एफ आई एक्स आई माइनस ए रेस टू आर बाय एन। सेम हियर यहाँ पे एफ आई एक्स आई रेस टू आर एफ आई एक्स माइनस एक्स बार रेस टू आर अपॉन एन। अब ये जो थी तीनों मोमेंट उसमें से जो सेंट्रल मोमेंट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो वो प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल मोमेंट की। तो सेंट्रल मोमेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है द मोमेंट अबाउट द मीन इज ऑलवेज जीरो, मींस जो सेंट्रल मोमेंट है वो ऑलवेज अबाउट द मीन ही होती है। तो मोमेंट अबाउट द मीन वो कौन सी वाली, फर्स्ट वाली। तो यहाँ पे मैं पूरा एक्सप्लेनेशन आपको करूंगी, इसलिए ये वाला क्वेश्चन मैं आपको रफ करके फिर समझा रही, राइट। तो ये रफ करते हैं, तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी वो है कि म्यू वन इक्वल टू जीरो। अब यहां पे मैंने आपको ये डेफिनेशन लिखवाई थी कि म्यू आर मीन सेंट्रल मोमेंट इज ई एक्स माइनस एक्स बार रेस टू आर, राइट। तो म्यू वन आप लोगे तो ई एक्स माइनस एक्स बार टू दी पावर क्या हो जाएगा, वन। तो फर्स्ट म्यू वन इज इक्वल टू जीरो कैसे आता है, तो आप यहाँ से देख सकते हो ई एक्स माइनस एक्स बार, इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ई एक्स माइनस ई एक्स बार। अब ई ऑफ एक्स तो वो क्या होता है, म्यू, और ई ऑफ एक्स बार वो भी क्या होता है, म्यू, मीन्स ये मीन का ई है तो कॉन्स्टेंट का ई हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट, तो ये एक्स बार होगा और ये है म्यू मीन्स एक्स बार, तो ये क्या होगा जीरो। तो म्यू वन मीन्स द फर्स्ट मोमेंट अबाउट द मीन इज ऑलवेज जीरो, प्रूव हो गया, राइट। आप इसको म्यू भी लिख सकते हो एक्स बार भी लिख सकते हो। देन द सेकेंड मोमेंट अबाउट द मीन मेजर्स द वेरियंस, मीन्स अगर आप म्यू टू फाइंड करोगे तो वो किसकी वैल्यू आनी चाहिए, सिग्मा स्क्वायर की। तो वो भी हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं कि म्यू टू इज इक्वल टू सेम यही डेफिनेशन, अब आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू, तो e ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। तो e ऑफ पहले स्क्वायर को हम सिंप्लीफाई करेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स एक्स बार प्लस एक्स बार होल स्क्वायर, राइट, ऐसा होगा। आप इसको म्यू भी लिख सकते हो, एक्स माइनस म्यू स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू टाइम्स ई ऑफ एक्स इंटू एक्स बार, बट ई ऑफ एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स बार ही होगा क्योंकि वो मीन है, प्लस ई ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर, तो अगेन वो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा। तो ये ई ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बार, अगेन एक्स बार प्लस ई ऑफ एक्स बार होल स्क्वायर बिकम एक्स बार होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको ई एक्स स्क्वायर, ये टू एक्स बार होल स्क्वायर होगा, तो टू एक्स बार स्क्वायर प्लस एक्स बार स्क्वायर, तो माइनस एक्स बार स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो ई एक्स होल स्क्वायर माइनस म्यू स्क्वायर। तो ये किसकी डेफिनेशन है, सिग्मा स्क्वायर की, मीन्स वेरियंस की। तो म्यू टू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, राइट, म्यू टू इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, ये डेफिनेशन है। तो जो हमें प्रूव करना था यहाँ पे लिखा है, द सेकेंड मोमेंट अबाउट द मीन मेजर्स अ वेरियंस, और आप स्टैंडर्ड डेविएशन लेते हो तो वो इसका स्क्वायर रूट होता है, तो सिग्मा का मीन्स इसका स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ म्यू टू, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो वो क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस। सीनियर द थर्ड मोमेंट अबाउट द मीन मेजर्स अ स्क्यूनेस, तो स्क्यूनेस क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई कर्व है इसे, अगर वो सिमेट्रिकल है तो बेल शेप में आके जाता है, तो अगर कर्व में ऐसा होता है कि वो ज्यादातर राइट साइड में हो रहा है ऐसे, तो वो राइट साइड स्क्यूनेस है, और अगर लेफ्ट साइड ऐसे हो रहा है तो वो लेफ्ट साइड में स्क्यूनेस है, तो वो हमें पता चलेगा इसकी थर्ड मोमेंट की वैल्यू से। तो स्क्यूनेस मीन्स जो बेल शेप कर्व है उसका हमें आइडिया देता है कि ये स्क्यूनेस उसकी इतनी है, उसका शेप हमें कैसा मिलेगा, राइट। तो थर्ड मोमेंट मेजर करेंगे तो म्यू थ्री इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स माइनस एक्स बार, यहाँ पे हम म्यू लिख ले तो भी चलेगा, तो एक्स माइनस म्यू होल क्यूब, ये कांस्टेंट जैसा दिखता है और ये बार मीन्स आपको वेरिएबल दिखता है, तो म्यू लिखोगे तो ये लिखने में ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो म्यू थ्री इज इक्वल टू, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ, अब आपको पता है कि ए माइनस बी का होल क्यूब, तो उसको आप दो तरीके से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ए टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, या तो फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू द ब्रैकेट ए माइनस बी, इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको वापिस ऐसा ही मिलेगा। तो आपको जो तरीके से आपने पढ़ा हो आप ऐसे लिख सकते हो, तो यहाँ पे मैं ये अप्लाई कर रही हूँ, तो एक्स क्यूब माइनस म्यू क्यूब माइनस थ्री, ए हमारा है एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू म्यू माइनस सॉरी प्लस थ्री एक्स स्क्वायर के जगह पे एक्स म्यू स्क्वायर, राइट, ऐसा होगा। अब हर जगह पे हम म्यू अप्लाई कर देते और ई अप्लाई कर देते, तो ई एक्स क्यूब माइनस यहाँ पे हर जगह पे एस एक्स एक्स स्क्वायर, राइट, क्योंकि ये हमने स्क्वायर पे अप्लाई किया था। अब ई एक्स क्यूब माइनस ई ऑफ म्यू क्यूब, तो वो कांस्टेंट है तो एज इट इज रहेगा, माइनस थ्री ई ऑफ एक्स स्क्वायर म्यू एज इट इज रहेगा, प्लस थ्री ई एक्स इसके ऊपर अप्लाई होगा बट वो एज इट इज रहेगा। अब ई एक्स क्यूब माइनस म्यू क्यूब ई एक्स स्क्वायर, राइट, इंटू म्यू, ये ई एक्स की वैल्यू भी क्या होगी, म्यू ही होगी, तो ये होगा थ्री म्यू क्यूब, और ये किसकी वैल्यू है, म्यू स्क्वायर, राइट, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस थ्री म्यू क्यूब माइनस म्यू क्यूब, तो अब यहाँ पे भी म्यू है यहाँ पे भी म्यू, तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ई एक्स क्यूब माइनस थ्री ई एक्स स्क्वायर इंटू म्यू प्लस थ्री माइनस वन, तो प्लस टू म्यू, इतना मिलेगा हमें म्यू थ्री, राइट। तो यहां से हमें स्क्यूनेस के बारे में डिस्कस करना है, राइट, तो स्क्यूनेस क्या है हमारी, ये म्यू वन इज इक्वल टू जीरो।
यहाँ पे लिखा है कि इफ म्यू थ्री ग्रेटर देन जीरो द डिस्ट्रीब्यूशन इज पॉजिटिवली स्क्यूड, मीन्स अगर म्यू थ्री ग्रेटर देन जीरो तो ये ग्रेटर देन जीरो कब होगा, जब ये वैल्यू आपको पॉजिटिव मिलेगी, तो वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन पॉजिटिव वाले पार्ट में स्क्यूड होगा, अगर वो लेस देन जीरो है नेगेटिव है तो वो नेगेटिव वाले पार्ट में ज्यादा आएगा नेगेटिवली स्क्यूड, और म्यू थ्री इक्वल टू जीरो देन द डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिकल, तो जब वो इक्वल टू जीरो आएगा तो अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे बेल शेप में आ जाएगा, राइट। तो तीनों डिपेंड करता है सेप म्यू थ्री की वैल्यू पे कि आपका जो बेल शेप वाला कर्व है वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा, नेगेटिवली स्क्यूड होगा, या तो फिर वो सिमेट्रिक होगा, मीन्स बेल शेप में मिलेगा ऐसे। और स्क्यूनेस की एक फॉर्मूला है विच इज इक्वल डिनोटेड बाय बीटा वन, तो बीटा वन इक्वल टू म्यू थ्री स्क्वायर बाय म्यू टू क्यूब। तो जब आपको स्क्यूनेस फाइंड करनी है तो पहले हम म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री म्यू फोर फाइंड करना है, तो वहां तक अगर सिर्फ बीटा वन फाइंड करना है तो हम तीन तक ही जाएंगे, तीन मोमेंट्स फाइंड करेंगे म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री और बीटा वन फाइंड कर सकते हैं। बट अगर आपको नेक्स्ट दिया है कि फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन मेजर्स इन कुर्टोसिस, तो इट गिव्स इन्फॉर्मेशन ऑन द पीक ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता है जैसे मैंने आपको बताया बेल शेप है तो उसकी पीक जो होती है वो यहाँ पे होती है, तो इसका भी डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है कि वो ऐसे ऐसे है या ऐसे है, राइट। तो वो पीक किसके ऊपर डिपेंड करती है, कुर्टोसिस की वैल्यू पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे म्यू थ्री फाइंड किया, सेम हियर आप म्यू फोर फाइंड करोगे तो ई एक्स माइनस म्यू का पावर क्या हो जाएगा, फोर। तो द फोर्थ मोमेंट अबाउट द मीन मेजर्स द कुर्टोसिस, और वो आपको इन्फॉर्मेशन देगी पीक ऑफ दी फ्रीक्वेंसी की, राइट। और उसकी फॉर्मूला है कुर्टोसिस की बीटा टू से डिनोट कर दे म्यू फोर अपॉन म्यू टू होल स्क्वायर, मीन्स जब आपको बीटा वन बीटा टू दोनों वैल्यू फाइंड करनी है तो उस टाइम पे आपको चार मोमेंट फाइंड करनी होगी म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री और म्यू फोर। और लास्ट फिफ्थ वन प्रॉपर्टी है, यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फिफ्थ प्रॉपर्टी है इन सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑड मोमेंट्स आर जीरो, तो ऑड मोमेंट्स कौन सी होगी, म्यू वन म्यू थ्री देन म्यू फाइव अप टू डेस 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 ऑल आर इक्वल टू जीरो, आप म्यू टू आर प्लस वन ऐसे लिख लो तो वो जनरल फॉर्म हो जाएगा, राइट इज इक्वल टू जीरो। मीन्स जब आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक कब होगा, जब म्यू थ्री इक्वल टू जीरो, जब सिमेट्रिक हो जाएगा तो आपकी सारी ऑड मोमेंट्स क्या हो जाएगी, जीरो, राइट। तो यहां तक सारी प्रॉपर्टीज की सेंट्रल मोमेंट्स की, अब आगे डिस्कस करेंगे सेकेंड पॉइंट। अब डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट में रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मोमेंट एंड रो मोमेंट, तो ये हमें फॉर्मूला एग्जांपल में यूज करनी है। तो मैंने अभी आपको ये सब समझाया उसी से हमने ये फॉर्मूला डिराइव की है कि सेंट्रल मोमेंट और रो मोमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो फर्स्ट जो हमारी सेंट्रल मोमेंट है म्यू वन, विच कैन बी रिटन एज म्यू वन डेस माइनस म्यू वन डेस इक्वल टू जीरो, जो हमने यहाँ पे डिराइव किया कि म्यू वन, तो ये हमारी फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट है ई एक्स, मीन्स ये है म्यू वन डेस और ये म्यू वन डेस, माइनस दोनों के बीच में होके आंसर मिलेगा जीरो, क्योंकि हम रो मोमेंट्स को डेस से डिनोट करते और सेंट्रल मोमेंट को सिंपल म्यू से, इसलिए ये रो मोमेंट है और ये सेंट्रल, राइट। सेकेंड वाली जो है म्यू टू, तो म्यू टू इक्वल टू ये होगा हमारा म्यू टू डेस और ये एक्स बार मीन्स मीन ही है बट मीन का स्क्वायर, तो जो फर्स्ट मोमेंट होती है उसे हम म्यू वन से डिनोट करते हैं, राइट। तो म्यू टू इक्वल टू म्यू टू डेस माइनस म्यू वन का होल स्क्वायर, राइट, यहां से क्योंकि ई एक्स स्क्वायर, तो वो हमारी हो गई सेकेंड वाली रो मोमेंट्स, राइट, म्यू टू डेस, क्योंकि वहां पे क्या होता है हमारा जो ओरिजिन होता है मीन्स ए क्या होता है जीरो, तो हमारी जो डेफिनेशन थी वो ऐसे, राइट, तो यहाँ पे जीरो होगा तो ई एक्स स्क्वायर मीन्स म्यू टू डेस, और ये जो हमारा है वो म्यू मैंने नाम दिया है बट जब हम मोमेंट्स डिफाइन कर रहे हैं तो वो उसका पावर एक होता है, मीन्स हम उसे नाम देते म्यू वन,
अगर टू है तो नाम देते म्यू टू, इसलिए म्यू टू डेस माइनस म्यू वन का होल स्क्वायर। थर्ड वाली म्यू थ्री, तो म्यू थ्री डेट मीन्स यहां से देखोगे तो ये थर्ड वाली पावर क्यूब है, तो म्यू थ्री डेस माइनस थ्री ये क्या होगा म्यू टू डेस। जहां पे म्यू है वहां पे हमें म्यू वन कंसिडर करना है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर्टी समझा रही थी, बट यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे दो मोमेंट्स के बीच का रिलेशन। तो जब पावर कोई भी नहीं है मीन्स म्यू है, तो दैट मीन्स हमें उसको ई एक्स टू म्यू लिखा है, तो वो हो गई हमारी म्यू वन, राइट। तो ये है ई एक्स क्यूब मीन्स म्यू थ्री डैश माइनस थ्री म्यू टू डैश सिंपल म्यू वन डैश प्लस टू म्यू वन डैश का होल क्यूब। तो ये रिलेशन बिटवीन सेंट्रल मोमेंट एंड रो मोमेंट्स। सेम यार, अगर हमने इसका पावर फोर भी सिंप्लीफाई किया होता तो म्यू फोर इक्वल टू हमें ये मिलता, राइट। तो यहां तक चारों मोमेंट्स के बीच का रिलेशन मैंने आपको समझाया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसी के बेस पे एग्जांपल्स देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।